देखिए तस्वीरें के साथ था और अभी भी बाहर बोल रहा था, इसके लिए क्या कुछ रणनीति रही आपकी? मैंने सीट पे हमने कुछ अलग देखा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक भी कहीं ना कहीं हम लोगों के कैमरे पर भी बोलता नजर आया, आपके साथ था और अभी भी बाहर बोल रहा था, इसके लिए क्या कुछ रणनीति रही आपकी? मैंने सीट उपचुनाव में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की वहां की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में देखिए किस तरीके से जोश और उत्साह नजर आ रहा है। जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। उपचुनाव में आज जमनगिरी की जीत के साथ ऑफिस में देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन का माहौल है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी भी की जा रही है, तो वहीं जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो खुशी है, ये वो उत्साह है उन कार्यकर्ताओं में जब आज उपचुनाव में बीजेपी ने दर्ज की अपनी जीत और गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन का माहौल पार्टी दफ्तर में भी नजर आ रहा है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद वहां पर जश्न की ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। आज उपचुनाव में कमल खिलने के बाद से ही जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को पराजित कर अमन गिरी की तरफ से जो जीत दर्ज की गई है गोला गोकर्णनाथ इस उपचुनाव में, उसके बाद देखिए किस तरीके से हाथों में फुलझड़ियां जलाते हुए जीत का जश्न मनाते। दिवाली के बाद भी दिवाली हो रही है क्योंकि ये जीत का समय है, जीत का जश्न है। आवाजें सुनिए और लगातार गोले बारिश का क्या महत्व है, हम धर्मपाल जी से भी बात करेंगे। एक सेकंड हम बात करना चाह रहे हैं। एक सेकंड गोकर्णनाथ की जनता और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व पर इसकी मोहर है। धर्मपाल जी हैं, संगठन मंत्री हैं, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था और बतौर जब संगठन महामंत्री के तौर पर उनकी तैनाती हुई तो यही लग रहा था कि किस तरह से संगठन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उपचुनाव ही और सबसे बड़ा एक तौर पे इनके लिए पहली परीक्षा थी जिसे उन्होंने बहुत बेहतर अंकों से पास किया है और ये उत्सव का माहौल देख रहे हैं आप। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें लगातार आपको जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आज सेलिब्रेशन का माहौल इन तस्वीरों में कैद। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देखिए किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि आज कमल खिला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे विनय तिवारी, उनको पराजित किया है अमन गिरी ने और उसके बाद से ही लगातार जब से ये ऐलान हुआ कि बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर विजय हासिल की है, वो जीत चुके हैं, उसके बाद से ही जश्न का माहौल अलग अलग जगहों से सामने आने लगा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको लखनऊ से, जहां पर पार्टी ऑफिस के बाहर देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवम्बर को हुई थी वोटिंग और आज आया है रिजल्ट और 32 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद
कमल खेला है, जिसके बाद ये जीत का जश्न मनता नजर आ रहा है। गोला उपचुनाव में 32 राउंड की मतगणना पूरी हो गई। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने 34,298 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले हैं, तो वहीं एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले हैं। तो गोला सीट पर अमन गिरी की जीत पर सीएम योगी ने भी बधाई दी है और हम आपको लगातार जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के दरमियान आपको नजर आ रहा होगा। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, आतिशबाजी वहां पर की जा रही है। गोला उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी ने। गोला सीट का इतिहास जरा समझेंगे तो समझिए, एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी उस सीट पर कई बार चुनाव लड़ते आए। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और 2022 में अरविंद गिरी का क्योंकि निधन हो गया तो फिर उसके बाद ये सीट पर अब उपचुनाव हुआ है और अमन गिरी जो उनके बेटे हैं उन्होंने जीत हासिल की है। 34,000 से ज्यादा वोट पाकर ये जीत उन्होंने हासिल की है और बीजेपी ऑफिस में सेलिब्रेशन का अब माहौल है क्योंकि गोला में एक बार फिर कमल खिला है। अमन गिरी की जीत हुई है, उन्होंने पराजित किया है विनय तिवारी को जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और एक कड़ी टक्कर इन दोनों के दरमियान मानी जा रही थी कि अब जब उपचुनाव होंगे तो वो देखने को मिलेगी। तो गोला उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है अमन गिरी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ उनको शुभकामनाएं देते हुए, उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी फॉर यूपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित लोग जो हैं उनको हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की सरकार में ही मुमकिन थी। लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है जो आज सामने आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है अमन के। देखिए ये बड़ी जीत है ही है, ऐसी बहुत बड़ी जीत है ये। वोटिंग परसेंटेज कम रहा उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत। किस तरह से देखते हैं सरकार को? जो जनता का जनादेश है वो हम लोग सुधार करते हैं। कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी वो अध्यक्षों को उठा लिया गया, सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है, वहाँ पर एक बार फिर से कमल खिला है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी। यहां इस बार भी बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा तो उनके सामने एसपी के पूर्व विधायक विनय तिवारी रहे। अभी तक के रण पर अगर नजर डालें 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी 1,26,534 वोट पाकर विजय हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 29,294 वोटों के अंतर से हराया था। विनय तिवारी को 97,240 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी के अरविंद गिरी ने 1,22,497 वोट पाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 67,480 वोटों से हराया था। 2012 में समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी 82,439 वोट पाकर जीते थे, जबकि बीएसपी की सिमी बानो 63,110 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थी। जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो इस विधानसभा सीट में ओबीसी में आने वाले कुर्मी और मुसलमानों का वोट सबसे अधिक है। यहाँ कुर्मी वोट बीजेपी के खाते में ही जाता रहा है, जबकि मुसलमान एसपी के साथ दिखाई दिया है। उपचुनाव मैदान में कोई और पार्टी नहीं थी, लिहाजा मुसलमानों के ज्यादातर वोट एसपी के पक्ष में गिरे। जो वोट का परसेंटेज था वो कम दिया गया और मुस्लिम का वोट कम से कम डालने दिया गया। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव लड़ रही थी तो ये सरकार का रिजल्ट। बीजेपी 2024 में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लिहाजा ये उपचुनाव उसकी साख का सवाल था। बीजेपी ने इसके प्रचार के लिए मंत्रियों की फौज उतार दी थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रचार में उतारे गए। खुद सीएम योगी गोला में अंतिम समय तक प्रचार करते हुए नजर आए। हालांकि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं उतरे, लेकिन पार्टी के बड़े नेता विनय तिवारी के पक्ष में प्रचार करते देखे गए।
गोला गोकर्ण से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने जीत के बाद कहा है कि हमने सबका विश्वास जीता है। अमन गिरी से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट के संवाददाता ने, सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ अमन गिरी हैं जो लखीमपुर की गोला सीट से विधायक हैं। तो आप तो आप चुनाव जीत चुके हैं, बड़े अंतर से आपने चुनाव जीता है, किसको इसके पीछे मानते हैं? जो पिता की जो पिता का काम था इस क्षेत्र में, या आपके जो लोग थे उनका जो आशीर्वाद था? देखिए, पिताजी का काम, पिताजी का आशीर्वाद हम सब लोगों पर है, उनके सभी साथियों पर है। उनके सभी साथियों का साथ और जो जोश हमको मिला है इन समय में, वो सहानपूर्ण है, उसका मैं ऋण कभी नहीं उतार सकता। और ये जो जीत है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की जीत। एक युवा नेता के तौर पर आप देखे जा रहे हैं, लोगों को उम्मीदें भी बहुत है कि एक युवा नेता आएगा तो विकास करेगा, हालांकि गोला में विकास बहुत हुआ है। देखिए, विकास हुआ है, इसीलिए हमारे पिताजी को हम लोगों ने नहीं बल्कि जनता ने ही विकास पुरुष की पदवी दी थी। और ये विकास का पहिया हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, नई सोच के साथ बढ़ेगा, नई जोश के साथ बढ़ेगा। गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है वो हरदम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है गोला के लोगों के लिए, तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? आप चुनाव में से पहले भी कई बार इसको लेकर बात हुई। देखिए, गोला मंदिर का जो कॉरिडोर है, ये हमेशा ही सपना रहा है, पूरे गोला निवास के लिए रहा है, एक सपना है। वही सपना हमारे पिताजी का भी था, उस कॉरिडोर को बनवाना, वो साकार होता दिखेगा आपको, वो दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे विनय तिवारी, उनका ये कहना है कि पार्टी और सरकार मिलकर चुनाव लड़ रही थी, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। देखिए, पार्टी और हमारा परिवार पूरा एक परिवार है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने सत्य करके दिखाया है कि जो उनका नारा है, हमारा एक परिवार भाजपा परिवार, उन्होंने ये चुनाव एक परिवार के रूप में लड़ा है, सबके साथ के साथ लड़ा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ उनसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो जो गोला से विधायक हैं अमन गिरी, उनका ये दावा है कि जो उनके पिता की रणनीति रही है, उनका जो काम करने का तरीका रहा, शायद वही वजह है कि लोगों ने उन्हें विकास के रूप में देखा, और जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है उसी तरह से वो आगे विकास करते रहेंगे। गुडल सफलसर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी ने आरोप लगाया कि ये चुनाव सरकार लड़ रही थी। जो जनता का जनादेश है वो हम लोग स्वीकार करते हैं, और जो पूरी तरीके से जो सरकार, ये चुनाव सरकार ने लड़ा है, पूरे भय का माहौल बनाया है, और भय के माहौल बनाने के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो सामने है। कहाँ पर कभी लड़ गई आखिरकार? कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी, बहुत अध्यक्षों को उठा लिया, सरकार चुनाव लड़ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ है। गोला गोकर्णनाथ चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ये सीएम योगी के नीतियों की जीत है। ये स्थापित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो काम किया है उस पर जनता ने फिर मोहर लगाने का काम किया है, और पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जनता का मूड क्या है। और हर संभव प्रयास किया है समाजवादी पार्टी ने बरगलाने का, बहलाने का, लखीमपुर के कांड को लेकर के वितंडावाद फैलाने का, लेकिन लखीमपुर की जनता ने अपना मन स्पष्ट तौर पर जता दिया है कि वो भाजपा के साथ है, योगी आदित्यनाथ के काम के साथ है। गोला उपचुनाव में मिली बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी को जीत की बधाई दी, तो वहीं एसपी प्रवक्ता आशीष खान ने उपचुनाव में बीजेपी पर आरोप लगाया। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर वहां के प्रत्याशी आदरणीय अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और गोला के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी पर जो आपने भरोसा व्यक्त किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। बीजेपी ने धन बल का दुरुपयोग किया, शासन सत्ता का दुरुपयोग किया, शासन और प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में लग करके उसने बाकायदे वहां चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्य।